बच्चों, मेरा नाम है संतोष सरनाइक। हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके जाना, खाली हाथ मत जाना। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जीपैट नेपाल ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इस टॉपिक का नाम है फार्माकोलॉजी। सब्सक्राइब करके ही जाना, बहुत डेप्थ में जाने वाले हम इस चैनल के इस टॉपिक के। तो फार्माकोलॉजी ये वर्ड होता है, दो वर्ड से बना हुआ होता है। तो कौन से होते हैं दोनों वर्ड? पहला होता है फार्माकोन, दूसरा होता है लॉजी। तो फार्माकोन का मतलब क्या होता है? ड्रग होता है। और लॉजी का मतलब क्या होता है? साइंस और स्टडी। साइंस भी होता है, स्टडी भी होता है, और टू डिस्कोर्सिंग भी होता है। तो हम फार्माकोलॉजी को क्या कह सकते हैं? स्टडी ऑफ ड्रग कह सकते हैं और साइंस ऑफ ड्रग भी कह सकते हैं। तो ये था फार्माकोलॉजी के बारे में। तो हजारों साल पहले क्या होता था कि हम जो ड्रग यूज करते थे वो डायरेक्टली हम यूज करते थे, किसी प्लांट का कोई पार्ट हम यूज करते थे। अभी जो हम यूज करते हैं वो डायरेक्टली एलोपैथिक ड्रग यूज करते हैं, जो भी उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूट होता है उसका यूज करते हैं। हजारों साल पहले ऐसा नहीं होता था। कोई हम किसी प्लांट का कोई पार्ट लेते थे, किसी प्लांट का कोई रूट लेते थे, किसी प्लांट का लीफ लेते थे, किसी प्लांट का ट्यूबर लेते थे, तो उसको उबाल के हम ले देते थे। मगर अब हमने क्या किया, इस जो भी उस प्लांट का एक्टिव पार्ट है इसमें से हमें कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी मिलती है, उसमें से हम वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हम निकाल लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एनालिटिकल टेक्निक। उसके बाद हम उसका यूज करके हम डायरेक्टली हम उसको पोटेंट बना देते हैं। मगर पहले कैसा था कि जो हजारों साल पहले हम ड्रग यूज करते थे उसमें हमें एक बात पता नहीं थी कि हम वो ड्रग यूज कर रहे। सपोज हम ए ड्रग यूज कर रहे, उसका यूज हम ट्यूबरकुलोसिस के लिए कर रहे, तो हमें पता नहीं था कि हम उसका यूज ट्यूबरकुलोसिस के लिए क्यों कर रहे। हम कर रहे थे मगर हमें पता नहीं था वो क्यों कर रहे थे, मतलब उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें पता नहीं था। तो सन 1847 में जर्मनी में सर रुडॉल्फ बच्चम ने क्या किया, एक फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी उन्होंने इस्टेब्लिश किया। उसके बाद 19 सेंचुरी में ऑस्वाल्ड स्किमिटीबर्ग उन्होंने क्या किया, बहुत सारे कंसेप्ट लाए उन्होंने और उनके साथियों ने, बहुत सारे कंसेप्ट लाए फार्माकोलॉजी में। उसके बाद उनको फादर ऑफ फार्माकोलॉजी भी कहते हैं। ऑस्वाल्ड स्किमिटीबर्ग इज अ मॉडर्न फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। उसके बाद इसमें और भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया में कौन फादर है? इंडिया में रामनाथ चोपड़ा इज अ इंडियन फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। तो ये था। उसके बाद फार्माकोलॉजी में दो मेन ब्रांचेस आते हैं। तो कौन सी ब्रांच आती है उसमें, कौन सी आती? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कौन सी आती, दो ब्रांचेस आती उसमें, अरे बताओ भाई जल्दी बताओ। अच्छा मैं ये बता देता हूं, फार्माको काइनेटिक, एकदम सही बोला। दूसरी बात फार्माको डायनामिक, मैंने फार्माकोन का मतलब आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। फार्माकोन का मतलब क्या होता है? ड्रग होता है, इधर भी ड्रग ही होगा। उसके बाद काइनेटिक का मतलब क्या होता है? काइनेटिक का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। हम एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? काइनेटिक। वैसे ही हमारा ड्रग हमारी बॉडी में मूवमेंट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या होगा? फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होगा कि ड्रग की मूवमेंट इन थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी। मतलब ड्रग हमारे बॉडी में जाने के बाद वो हमारे बॉडी से एक्सेप्ट कैसे होगा। मतलब ये हमारी बॉडी है, मुझे अच्छी डायग्राम नहीं आती है। अगर हमारा ड्रग इस आदमी ने लिया तो ये ड्रग उसके स्टमक में जाएगा, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ब्लड में जाने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहेंगे, फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोडायनामिक का मतलब क्या होता है? डायनामिक का मतलब होता है पावर, जो ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है, ड्रग का साइड इफेक्ट होता है, सारी बातें किसमें आती है? फार्माकोडायनामिक में।
तो फार्माकोकाइनेटिक हम फार्माकोकाइनेटिक को हम क्या कर सकते हैं, फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब बॉडी ड्रग का क्या करती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है, व्हाट बॉडी डज टू ड्रग इज कॉल्ड एज फार्माकोकाइनेटिक। और फार्माकोडायनामिक मतलब क्या होता है, ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या करता है, ड्रग डज टू बॉडी। इसके बारे में मैं अलग से दो लेक्चर बनाऊंगा, उसमें हमें डेप्थ में देखना है उसका। फार्माकोकाइनेटिक में अब्सॉर्प्शन का अलग लेक्चर बनाएंगे, मेटाबॉलिज्म का, डिस्ट्रीब्यूशन का, एक्सक्रीशन का, सभी के लेक्चर हम अलग अलग बनाएंगे। और फार्माकोडायनामिक में भी हम रिसेप्टर और उसके जनरल टर्म है उसके बारे में भी हम लेक्चर अलग अलग से बनाएंगे। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था, और उसमें कुछ और भी बातें होती है, जैसे कि फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक ये मेजर पोर्शन है। उसके बाद कुछ और ब्रांचेस आते हैं उसमें, कौन कौन सी ब्रांचेस आती है उसमें भाई, कौन सी ब्रांचेस आती है उसमें, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। एकदम सही हुआ क्या? हाँ वही, फार्माकोथेरापेटिक्स, फार्माकोथेरापेटिक्स, फार्माकोन का मतलब आपको पता है, ड्रग थेरेपी का, थेरापेटिक्स का मतलब आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको आज बता दूंगा कि थेरापेटिक्स का मतलब क्या होता है, कि एनी मेजर इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, किसी डिसीज या किसी डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट करने के लिए हम कौन सा मेजर यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम जो मेजर यूज कर रहे हैं उसको हम थेरापेटिक्स बोलते हैं। मतलब जो ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं हम किसी डिसीज या डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, तो उसको हम थेरापेटिक्स कहते हैं। फार्माकोन का मतलब क्या है, ड्रग। फार्माकोथेरापेटिक का मतलब क्या होता है, कि हमने ड्रग की इंफॉर्मेशन निकाली और हमने डिसीज की इंफॉर्मेशन निकाली या किसी डिसऑर्डर की इंफॉर्मेशन निकाली, और दोनों इंफॉर्मेशन को हमने कोरिलेट करके इस डिसीज या डिसऑर्डर को ट्रीट किया, उसको ही हम क्या कहते हैं, फार्माकोथेरापेटिक्स कहते हैं। उसके बाद उसमें क्या आता है, उसके बाद उसमें आता है कि केमोथेरेपी, केमोथेरेपी, केमोथेरेपी एक ब्रांच है फार्माकोलॉजी की। केमोथेरेपी का मतलब क्या होता है, कि हम केमिकल एजेंट का यूज करते हैं, किसी केमिकल एजेंट का यूज करके हम किसी डिसीज या किसी डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं। डिसीज सरासरी हम डिसीज का ही ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें एवरेज में डिसीज का ट्रीटमेंट करते हैं, या किसी जैसे कैंसर का भी ट्रीटमेंट करते केमोथेरेपी के थ्रू। तो हम केमिकल एजेंट का यूज करते हैं डिसीज या कैंसर को ट्रीट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, कि हम ऐसे ड्रग यूज करते हैं कि जिसका मिनिमम इफेक्ट और नो इफेक्ट हमारे ह्यूमन सेल पे, ह्यूमन सेल को हम हॉस्ट सेल कहते हैं, हॉस्ट पे मिनिमम इफेक्ट हो या कोई इफेक्ट ही ना हो, नो इफेक्ट ऑन हॉस्ट बट इफेक्ट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन्फेक्टेड सेल, तो उसको हम क्या कहेंगे, केमोथेरेपी कहेंगे। उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, जैसे कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है, कि जो हम फार्माकोलॉजी का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं क्लिनिक में एज अ प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। मतलब हमने ड्रग की इंफॉर्मेशन निकाली, ड्रग की इंफॉर्मेशन निकाल के हमने क्या किया, उसका यूज किया, किसमें यूज किया हमने, उसका यूज हमने किया किसी डिसीज या किसी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, और एक क्लिनिकल होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो ये था मेरा फार्माकोलॉजी के बारे में। अगले वीडियो में हम आगे का डिस्कस करेंगे।